कभी वफा मिली, कभी कभी के प्यार में, वो चांद से जो ख्वाब थे क्यों खो गए गुबार में। हे अच्छा, जा कहाँ रही हो तुम? आपके बेटे के वहम का इलाज करने। आप इशाल की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। मैं उसकी जिंदगी बचा रहा हूँ। वो जिंदगी बार बार नहीं मिलती, इसकी कदर करो, इसे एंजॉय करो। But he is my husband. और जानती हो ना ये सब कुछ क्यों किया? तुम्हारी शादी कहीं और कर सके। Just leave. और आईना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इसने बहुत कोशिश की वहाँ सेटल होने की, लेकिन उन्होंने नहीं होने दिया। सब कहते हैं कि भाई की नौकरी छुट्टी ना, इसलिए चली गई, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अगर औरत बेवा हो जाए तो इद्दत तब खत्म होती है जब प्रेगनेंसी खत्म हो। इसकी शादी और जहेज के लिए कितने पैसे चाहिए आपको? अपनी बेटी से पूछिए कि वो अपनी औलाद को उसके बाप से अलग करने का सौदा कितने में करेगी। कभी कभी वफा मिली। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। मुझे तो पता ही नहीं चला तुम्हारे आने का टाइम है। मैंने आज तुम्हें बहुत मिस किया। मैं तुमसे कहा ना, दिन में कम से कम एक बार तो फोन किया करो। प्लीज यू नो आई गेट वरीड। आई एम सॉरी, याद नहीं है। हाँ हाँ, बहुत भूल जाओगी। तुम्हारी बहन जो आ रही है। ऐसी भी बात नहीं, तुम भूल सकते हो। नॉट पॉसिबल। कैसी हो इशार? जी ठीक है। चाय? प्लीज। माना कि इवा इतनी स्मार्ट नहीं है, लेकिन जितना प्यार वो आपको करती है कोई और लड़की नहीं करती। फिर भी आपको दुश्मनी करनी है। किस किस्म का माइंड है आपका मुझे समझ नहीं आता। अगर कोई मुझे इतना प्यार करे ना, मेरे लिए दुनिया की और कोई चीज मैटर ही ना। अच्छा, कमाल है। मुझे तो लगा कि जितना प्यार आरिज तुमसे करता है उसके मुकाबले में ये तो कुछ भी नहीं। शाल, कंग्रेचुलेशंस। आई हर्ड यू आर एक्सपेक्टिंग। हाँ, और ये चाय बनाइए, ला दूं? ला के मेरे सर पे उंडेल दे। जिंदगी अजीरन करके रहती, मना कर रही थी मैं नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, सर पे चढ़ी जा रही थी, ले गई मुझे उठा के बेइज्जती करवाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उफ, बहुत थक गया हूं मैं। अम्मा, कोई लेटर वगैरह आया है मेरा किसी कंपनी से? नहीं, वो शारेज भी कह रहा था कि कंप्यूटर पे भी कुछ नहीं आया। कोई बात, कोई खबर? सालिक। अरे वाह, ये सूरज कहाँ से निकल आया आज? जब काम बिगाड़ेगी तो चापलूसी करेगी। छोड़े ना अम्मा। कैसे छोड़ू, तुम्हारी ससुराल ले गई थी मुझे, मना भी किया था। क्या हुआ अम्मा? बहुत बेइज्जती करवाई मैंने वहां तेरी ससुराल में जाके। किसने की? इशाल ने? नहीं, उसे तो पता भी नहीं था कि हम आए हुए। उसके बाप ने ले गया हमें एक कमरे में, बिठा के खूब सुनाई, उल्टी सीधी जोश के दिल में आई, खूब सुनाई। क्या कहा, क्या कहा?
तुम बताओ सोनी क्या कहा उन्होंने? कुछ भी तो नहीं, आप तो इनकी आदत जानते हैं ना भाई। इशाल ने तो कुछ नहीं कहा था। भाभी के बाप ने क्या कहा, तुम बताओगी या नहीं? इसकी शादी और जहेज के बदले में खुला मांग रहे थे। मैंने भी कह दिया, पूछ ले अपनी बेटी से, अपनी औलाद को बेबाप करने के कितने पैसे देगी हमें। अरे तू कहाँ जा रहे? बहुत बेइज्जती कर ली उन्होंने आपकी, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे बेटा बात तो सुन आरेस। हाय हाय, खुश हो गए? कोई बात दिल में नहीं रख सकती आप। अब मुफ्त में बेटे की तलाक मनाइएगा। तू चुप कर, अपने पीछे लगा के मुझे ले गए, बेइज्जती करवा के बकवास करेगी। जी नाम इशाल आरेस, मैं आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, बर्न वार्ड में। जी आपने मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, आप बता सकती हैं क्या रिजल्ट था? आर यू श्योर? थैंक यू। विशाल बीबी, आपको फोन बज रहा था रूम में। हेलो, बोलो क्या बात है? आरेज बात कर रहा हूँ। मुझे पता है, मुझे तुमसे बात करनी है विशाल। करो, मैं सुन रही हूँ। ये किस तरह बात कर रही हो तुम? मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, शुक्र करो कि मैं बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली दिमाग तो खराब होगा, अपने बाप की बेटी जो तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ ना कम से कम, कि इतनी बड़ी न्यूज छुपा कर रिश्ते तोड़कर बैठ जाऊँ। क्या कहा? रिश्ते मैंने तोड़े, मैंने? इशाल घर छोड़ के तुम गई थी, मैं नहीं। तो तुमने कौन सा रोक लिया था? तुम्हें तो पता था ना कि तुम बाप बनने वाले हो। तुमने मौका दिया मुझे बताने का। फजूल के बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, साफ साफ कहो कि तुमने जानबूझकर ये बात छुपाई थी ताकि मैं घर छोड़कर चली जाऊं। अगर मैंने छुपाया भी था तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो इस खबर के बावजूद भी तलाक लेने को तैयार हो। एक्सक्यूज मी, मैं तलाक लेने को तैयार हूँ? अपने अब्बा से जाके पूछो, जिन्होंने मेरी माँ की बेइज्जती की है और अब मुंह छुपाए बैठे, मेरा फोन तक नहीं उठा रहे। मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। इशा, डैड,
डैड। हाँ बेटा। डैड आरेश के घर वाले आए थे आज मुझसे मिलने। कब आए थे क्या? डैड वो मिलने आए थे और आपसे मिलके गए। मुझसे? हाँ, तुम्हारी शादी से पहले। आज डैड? आज नहीं, आज तो मैं घर पे था, तुम भी घर पे थी। तुम कब आए थे? तो क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं? तुम्हारे हस्बैंड के घर वाले हैं, तुम उन्हें बेहतर तौर पे जानती हो। डैड देखिए, आपका फोन साइलेंट पे है। आरएस फोन कर रहे थे आपको। हैं? साइलेंट पे था? ओह गॉड, मैंने रियलाइज ही नहीं किया। अब देखो ना, वो कहीं ये ना समझ रहा हो कि मैं उसे अवॉइड कर रहा हूँ। यही प्रॉब्लम होती है ऐसी मर्दों की, हर छोटी छोटी बात पे शक करते हैं, किसी अच्छी बात को इज्यूम ही नहीं करते। देखो तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगा। थैंक्स डैड। डैड वो क्या हुआ बेटा? अरे तो है? डैड I'm expecting. Wow! What a great news! मैं grandfather बनने वाला हूँ। My God, I'm feeling so young. तुमने आरिज को बताया? उसे पता ही होगा। क्या मतलब? मतलब hospital तो वो गया था साथ, लेकिन I think मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं करूँ। कोई जरूरत नहीं उसके सामने गिरने की। गिरना वरना क्या होता है डैड? मैं उससे बात करूंगी, एक दो दिन में मिलूंगी उससे और फिर देखती हूँ कि वो क्या कहता है। हेलो। हाँ बेटा, कैसे हो? क्या प्रोग्राम है? कब आ रहे हो? हमारा मसला बहुत बड़ा हो गया है, हमें मिलके कुछ करना पड़ेगा इस शाल के लिए। तुम्हारी बात हुई उससे? तुम तो इस शाल को भाभी नहीं कहती थी। तुम नाम लेते हो, इसलिए मैंने भी नाम ले लिया, अच्छा लगता है। अच्छा बताओ ना, बात हुई? हाँ, मैं गया था उसके घर, लेकिन ज्यादा बात नहीं हो सकी, वो बहुत परेशान थी। मुझे लगता है जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से क्यों होगा? तुम अपने बारे में ऐसे बोलते हो ना, तो मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंचती है। और अगर तुम पर कोई इल्जाम लगाएगा ना, तो ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इल्जाम की बात नहीं है, अब मैं उसे मिलने गया था और इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम को हो रही है। मेरा ख्याल है अगर मैं उसे सॉरी कह दूं तो वो शायद समझ जाएगी। वो नहीं समझेगी, बात बहुत बिगड़ गई है। मैं गई थी ना अंकल से मिलने के लिए, बहुत बुरा सलूक किया उन्होंने हमारे साथ। तुम उन्हें प्लीज समझाओ ना कि हमसे अच्छे से बात किया करें। शाल की छोटी नंद सही, तुम्हारी भी तो दोस्त हूँ ना? हाँ, हम सब दोस्त ही तो हैं, अब हमारे दरमियान कोई दुश्मनी तो नहीं। लेकिन तुम तो मेरे दुश्मन हो, हमेशा आ जाते मुझे तंग करने के लिए। मैं तो उस दिन के बाद तुम्हारे घर आया ही नहीं। घर नहीं आते, लेकिन ख्वाबों में तो आते हो ना तुम। तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। वैसे सोनी काफी देर हो रही है, मेरा ख्याल है तुम्हें अब घर जाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए रिक्शा मंगवाऊं? तुम्हें कितनी फिक्र है मेरी सनी।
बाजी के लिए रिक्शा मंगवाओ फौरन। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं इशाल से 4-5 साल छोटी हूं। Really? मेरा मतलब है really? वैसे तुम्हारा रिक्शा आ गया होगा। अच्छा कोई बात होती है ना तो तुम्हें आके बताऊंगी। बाय बाय। डैड से बात की थी, आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है क्योंकि तुम्हारे घर से डैड से मिलने कोई नहीं आया। कोई नहीं आया तो फिर अम्मा और सोनी को कैसे पता चला कि तुम्हारे घर में एक ऑफिस नुमा चीज है, और अगर है तो कहां है, कैसी है? मैं ये सब नहीं जानती। तो जान जाओ ना इशाल, जानना चाहिए। तुम कोई बच्ची नहीं हो कि आप जो भी कुछ बताएगा और तुम मान जाओगी। मुझे ये बताओ अब तुमने वापस चलना है? हारिस, इतनी बातों के बाद तुम मुझसे इतनी आसानी से पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी? तो फिर कैसे पूछो इशाल, तुम भी तो बगैर सोचे समझे उठी और चली गई। इतनी सी बात का पतंगा बना लिया तुमने। इतनी सी बात? मैं सारा वक्त खामोशी से तुम्हारे घर वालों की खिदमत करती रही। खामोशी से? इसको तुम खामोशी से कहती हो? तो तुमने भी तो इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मेरे डैड पर। कौन लड़की बर्दाश्त कर सकती है? ये सब बहाने हैं बस ईशा। तुम इसलिए चली गई हो क्योंकि मेरी नौकरी छूट गई है। जी नहीं, अगर मैं ऐसी लड़की होती ना तो तुम्हारी शादी के रात वाले तोहफे से खुश नहीं हो जाती। मुझे मालूम था तो मुझे एक दिन ताने दोगी, और मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे अम्मी का प्रेशर था। इतना ही प्रेशर था तो ना करते शादी क्यों की? उसी दिन को रो रहा हूं। अब रोने की जरूरत नहीं है, खुश रहना क्योंकि मैं वापस नहीं आऊंगी। अपनी अम्मा से कहना कोई और नौकरानी रख ले, और अपने भाई और बहन से कहना कि जितना जी में आए एसी टीवी सब चीजें यूज करें, मुझे नहीं चाहिए। अपनी खैरात अपने पास रखो, तुम्हारा दिया एक तिनका भी नहीं चाहिए मुझे। एक एक चीज वापस करूंगा मैं तुम्हारी, तुम्हारे दिए तोहफे भी दे दूंगा मैं। यकीन था कि मैं फोन करूंगा और तुम फौरन आ जाओगे। इशाल आजकल बहुत लोनली है, उसे एक दोस्त की जरूरत है। उसके साथ तो बहुत खुश थी, बहुत हंसी आ रही थी उसके साथ, मुझे देखते ही मूड ऑफ हो गया तुम्हारा। कभी कभी वफा मिली।
कह रहा है मुझसे तिनका भी नहीं चाहिए। वापस करे ना मुझे वो सारा प्यार जो मैंने इसे दिया था। पैसे से तोलती है हर चीज को, आखिर को है ना अमीर बाप की बेटी। कौन देता है शादी के रात अपने हाथ से तोहफा बना के? मैंने दिया था, उस पर भी ताना दे दिया मुझे। इतने रोमांटिक और खूबसूरत तोहफे का भी मजा खराब कर दिया। कहता है सारे गिफ्ट्स वापस कर दूंगा, बड़ा आया। कभी जिंदगी भर इस्तेमाल नहीं करूंगा। बड़ी आई अपने बाप के पैसों पे शो मारती है। टीवी एसी यूज कर ले, वापस नहीं लूंगी। जैसे हम मर जाएंगे इनके टीवी एसी के बगैर। एक एक चीज वापस भिजवाऊंगा। कभी मैंने उन थर्ड क्लास चीजों को हमारे बीच नहीं आने दिया। खुद सहन में सोई और इन तीनों को अपने कमरे में अपने बेड पे सुलाया, फिर भी ये सब सुनने को मिल रहा है। क्या फायदा हुआ ये सब कुछ करने का जब दिल में मोहब्बत ही नहीं? सिर्फ उसी के लिए तो किया था मैंने, वरना मुझे इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? बहुत शौक है ना अकेले रहने का, रहे पता चल जाएगा। दो चार दिन गुजरेंगे फिर पता चलेगा कैसे रहते हैं मेरे बगैर। यकीन था कि मैं फोन करूंगा और तुम फौरन आ जाओगे। इशाल आजकल बहुत लोनली है, उसे एक दोस्त की जरूरत है। शी इज इन अ बैड शेप। इशाल देखो कौन आया। हाय। हाय। So, you are actually surprised, huh? Shabir, आज ही पहुंचे हैं। मैंने इनसे कहा कि एयरपोर्ट से सीधे घर में आना, खाना खा के फिर जाना। So, तुम बैठो, क्या पियोगी? डैड, मुझे कमरे में जाना है, कुछ काम है। Excuse me. तो यकीन नहीं आता ये मेरी वही बेटी है। She was full of fun. उसने इसे दौलत के चक्कर में फंसाया। अगर मुझे पता होता ना तो मैं ब्लैंक चेक उसके मुंह पर देकर मारता और कहता जितने पैसे भरने हैं भर लो, लेकिन मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। पता नहीं आ रही इसको क्या हो गया, मैं तो इतना भरोसा करता था उस पर। उसने ऑफिस में भी लंबा हाथ मारा है, अच्छा किया उसे निकाल दिया। एक्चुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसके खिलाफ एक्शन लिया था, मैं तो उनके सामने कुछ बोल भी नहीं सकता था, लेकिन शायद अगर मैं यहाँ होता तो बात इतनी आगे ना बढ़ती। खैर जो होना था सो हो गया, अब हमें इशाल की फिक्र करनी चाहिए। अंकल मैं इशाल के लिए दोबारा इंक्वायरी शुरू करवा रहा हूँ। वैसे आपको भी आरेस को दोबारा मौका देना चाहिए, वो बुरा आदमी नहीं है। ये मैं और मेरी बेटी अच्छी तरह जानते हैं। ये अलग बात है कि तुम्हें अब इशाल में इंटरेस्ट नहीं रहा। आप जानते हैं ऐसी बात नहीं है अंकल, ये कहने की बात है। हमारी सोसाइटी में तलाक एक स्टिग्मा है जो हमेशा रहेगी। मैं नहीं समझता। अगर तुम नहीं समझते तो देन गिव हर सम टाइम, उसे एक हमदर्द दोस्त की जरूरत है।
मैं घर जा रहा था, सोचा तुमसे मिलकर जाऊं। मैं यहाँ आना नहीं चाह रहा था, लेकिन अंकल ने कहा कि मुझे तुमसे मिलकर जाना चाहिए। आप खाना नहीं खा रहे? नहीं, एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आ गया था, थक गया हूँ, घर जाऊँ। I'm sorry, मैं आपको टाइम नहीं दे पाई। नहीं, एक्चुअली आई एम सॉरी, मुझे टाइम लेकर आना चाहिए था। आई नो इट्स अ टफ टाइम फॉर यू, ऐसे में अकेले रहने का दिल करता है, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसे में अकेला छोड़ा भी नहीं जाता। आप इसीलिए आए थे? नहीं, मैं किसी और काम से आया था, और अरे इसकी नौकरी चली गई, इसका अफसोस भी करने आया था। मैं उसे दोबारा रख लूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे है। अच्छा, मैं चलता हूं, तुम अपना ख्याल रखना और कोशिश करना कि जो चीज अपने हाथ में नहीं है उससे ज्यादा परेशान मत हो, और जो अपने हाथ में है तो वो जो हाथ में है और समझ ना आए उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए, वो खुद ही कोई नई सूरत इख्तियार कर लेती है और फिर सब चीजों से डील करना आसान हो जाता है। शावीर, थैंक यू। इट्स ओके। शावीर आ गया। आ जाए, मेरा क्या जाता है? तुम्हारी बीवी जाती है, समझे? देखो, अंकल इशाल को बहका रहे हैं और उन्होंने शावीर को बुलाया। तो ठीक है, बहकाएं उसको, जिस मर्जी को बुला लें, उनसे कहो कियानो रीव्स और ब्रैड पिट को भी बुला लें, वो भी इशाल को बहुत पसंद है। What's wrong with you? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम अपने आप को समझते क्या हो? किसी फिल्म के हीरो हो क्या? ये फिल्म नहीं, असली जिंदगी है, और यहाँ लड़कियाँ अपने बाप की बातों में बड़ी आसानी से आती हैं। अगर उसको मेरे साथ रहने के बाद भी अपने बाप की बातों में आना है तो आ जाए, मुझे भी उसकी कोई परवाह नहीं। वाह जी वाह, तुम तो ऐसी बातें करो जैसे तुमने उसे किसी आलीशान हवेली में रखा था। आलीशान हवेली में तो नहीं रखा था, लेकिन बहुत प्यार से रखा था मैंने उसको, उसकी हर चीज का ख्याल था, छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी खुशियों का एहसास था मुझे। लगती होगी, लेकिन अब वो तुम्हारी जिंदगी से जा रही है, समझे तुम? इतनी सी बातों पे जा रही है, जाहिर है उसको कोई बहाना जो नहीं मिला जाने का। चाहती है तो जाए, मैं भी नहीं रोकूंगा उसको। तुम तो इतनी सी बात को अपनी अना का मसला बना के बैठ गए, उसको बुलाने में तुम्हारा ही फायदा है, कांट यू सी? फायदा नुकसान देखना और सोचना आप जैसे लोगों का काम है, मेरा नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि उसको हर हाल में मेरे साथ होना चाहिए था। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि उसे हर हाल में तुम्हारे साथ होना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है, उसे जबरदस्ती ले आओ। जबरदस्ती? क्यों? कभी नहीं। उसे अगर मेरी थोड़ी सी भी परवाह होगी ना तो खुद आएगी, और अगर इतना ही वो मरे ना शावीर के पैसों पर, तो जाए उससे शादी कर ले, रहे उसके साथ।
झूठ मत बोलो, अब्बा को सब पता चल गया। दिमाग सही है तुम लोगों का या पागल हो तुम लोग? बंद करो इसको और निकलो यहां से। अगर वो आती ईशाल तो क्या सोचती? क्या वो आ रही है? वो नहीं आ रही है, उसका सामान जाएगा यहां से। क्यों? उन्होंने तो कहा था उनको ये नहीं चाहिए। हाँ वो भीख देती रहेगी और तुम लोग रखते रहना, यही औकात है तुम लोगों की। ये चप्पलें तुम्हारी, उठाओ यहां से, उठाओ यहां, उठाओ इसको यहां से, उठो। वो आती तो क्या सोचती? ये क्या है? निकलो यहां से, लेके जाओ, जाओ यहां से लेके जाओ। क्या हो गया? बात करो, सामने क्यों उतार रहे हैं आप? थप्पड़ मारो मेरे बकवास की तुमने तो। जवान बहन पे हाथ नहीं उठाते, गलत बात है। आपने हाथ उठाया होता ना तो इतनी जुबान ना निकलती इस लड़की की। जाहिल। ज्यादा बातें सुनाने की जरूरत नहीं है, जाए अपनी लाठी को वापस ले आए। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, जुबान बंद रखो अपनी। पता नहीं किस तरह तुम लोगों के साथ रहती थी वो यहाँ पे। वैसे तू उसे ले ही आता तो अच्छा था। वो नहीं आएगी अब वापस, उसकी चीजें पैक करनी और पहुंचानी है। शारेज, शारेज जाके ट्रक लेके आओ या कोई वैन। किधर गया ये? सटिया गए। मशर क्या किया तुमने? घर को पास मार के रख दिया सब। I'm glad we came out, huh? Weather's nice. तुम्हें याद है मैं तुम्हारे लिए फूल लाया करता था? तो मुझे हर बार डांट पड़ती थी, लेकिन I don't mind. पता नहीं किस कलर के थे, तुम्हें याद है? विशाल, विशाल। हाँ? मुझे लग रहा है तो मेरे से नाराज हो। नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा मैं उस दिन तुम्हारे बेडरूम में बिल्कुल ना था, लेकिन जो एक्चुअली मोमो ने विशाल। अच्छा हुआ तुम घर से बाहर तो निकले। हेलो मामो। देखो तुम बाहर निकलोगी, फ्रेश एयर लगेगी तो यू विल फील बेटर। आई वाज टेलिंग यू द सेम थिंग। एग्जैक्टली शाबिर, तुम इसे बाहर ले जाओ। ओह ओके, दैट्स अ गुड आइडिया। हम सब इकट्ठे जा सकते हैं। आई वाज थिंकिंग आई विल टेक हर टू द मूवीज। तुम ऐसा करो, तुम चेंज कर लो। नहीं नहीं मामू, अच्छी तो लग रही है। शी इज फाइन, शी कैन गो लाइक दिस। ओके शी इज फाइन। क्यों शाबिर, ठीक है? थैंक यू अंकल, आपने पूछ लिया, लेकिन आई थिंक इशाल से भी पूछ लेना चाहिए। आपका मूड है जाने का? ये तो 101% गएगी नहीं। मैं चलूं। अच्छा तुमने तो सरप्राइज कर दिया। सनी तुम घर जाओ, फिर किसे देना आना। डैड सनी हमारे साथ जाना चाह रहा है। सनी को बहुत काम है, मुझे पता है। सनी समझ में नहीं आ रही, जाओ। सनी एक सेकंड बात सुनो। नहीं यार कोई बात नहीं, वो मामू ठीक कह रहे हैं, मुझे बाकी बहुत काम है। शाबिर तुम लोग भी जाओ, जाओ ईशा। क्या एंजॉय। सनी बेचारा आना चाह रहा था, लेकिन अंकल ने मना कर दिया। डैड के अपने रीजंस होते हैं, उन्हें कोई नहीं समझ सकता। हाँ हाँ अक्सर नहीं समझ पाते होंगे। तुम बताओ तुम कैसे आ गई? क्या वाकई मूवी पे जाना चाहती थी?
नहीं, मेरा कॉफी पीने का मूड था इसलिए। मैं शायद ये बात बिला वजह बता रही हूं, लेकिन सोच रही हूँ बता दूं, मैं अब भी आरिज की बीवी हूं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग। दैट्स गुड न्यूज, मुबारक हो। थैंक यू। बस यही बताने आई थी क्या? बताना जरूरी था। नहीं, नजर आ रहा है यू स्टिल लव योर हस्बैंड। तुम्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि तुम्हें कभी उसके अलावा किसी और से प्यार हो सकता है। तो फिर आप क्यों? मैं क्यों? मैं नहीं, कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए राजी हो सकता है। बेचारी गरीब मिस्कीन मासूम शहजादी। मैं शहजादी? मैं एक जॉबलेस आदमी की बीवी हूँ। इससे क्या होता है, गुण तो सारे शहजादियों वाले हैं ना तुम में। अब ये मत पूछना मुझे कैसे पता है, दूसरों के बीवियों की तारीफें नहीं करता मैं। चीज केक यहाँ का बहुत फेमस है, खाओगी? अभी लिखा है। क्या हुआ? उसके साथ तो बहुत खुश थी, बहुत हंसी आ रही थी उसके साथ, मुझे देखते ही मूड ऑफ हो गया तुम्हारा। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के कॉफी पी जा रही है, ख्वाहिशात पूरी हो रही तुम्हारी। क्या करें, घर में तो तुम्हारा कॉफी मेट भी शारेज बेचारा खा जाता है सारा, है ना? वैसे बच्चे के बारे में क्या ख्याल, उसका रखोगी या नहीं? आरेज, जस्ट लीव। क्यों, वरना क्या करोगी? सिक्योरिटी गार्ड को कह के मुझे बाहर फेंकवा दोगी? वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड भी काफी तगड़ा लग रहा है, उससे पिटाओगी मुझे क्या? आरेज, तुम हद से ज्यादा बोल रहे हो। मैं हद से ज्यादा बोल रहा हूं तो तुम हद से ज्यादा गिर चुकी हो। ठीक है, जो दिल में आता करो, सब कुछ करो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें इतनी आसानी से तलाक नहीं दूंगा, लटकाऊंगा तुम्हें और तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा कभी। ऐसी बातें कर रही है, वो तो मां बनने वाली है। अगर बच्चे को कुछ कर दिया तो ये क्या करेंगे? मैं बता रहा हूं, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें तलाक दे दोगे, धमकी दे रहे हो। तुम मुझे सिर्फ ये गारंटी दो कि मेरा बच्चा सेफ है, तलाक दे दूंगा मैं तुम्हें। See you.